हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना सिंपल एंड इजी कुकिंग। आज हम स्पेशली इडली और डोसा के साथ खाई जाने वाली ऑथेंटिक और टेस्टी मूंगफली और नारियल की चटनी बनाएंगे। सबसे पहले मीडियम आंच पर गरम किए हुए पैन में 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा भूनने के बाद 6 से 8 कड़ी पत्ता डालेंगे। अब कड़ी पत्ता को 10 से 15 सेकंड के लिए जीरे के साथ मीडियम आंच पर भूनेंगे। अब गैस की फ्लेम धीमी करके इसमें 2 चम्मच मूंगफली डालेंगे, 3 चम्मच दालिया डालेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसमें मूंगफली और दालियों का प्रमाण कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब 3 हरी मिर्चियाँ डालकर सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम आंच पर भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर भूनने के बाद अब हम इसमें 1 से 1.5 इंच इमली डालेंगे। आप इसकी बजाय 1 छोटा चम्मच इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। अब इमली को भी सारी चीज़ों के साथ 1 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। हमें इन्हें सुनहरा रंग होने तक और खुशबू छूटने तक भूनना है। अब हम गैस बंद करेंगे और इन चीज़ों को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। दालिया और मूंगफली भूनकर पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इन्हें पीसने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे। अब 1/2 इंच अदरक के छिले हुए टुकड़े डालेंगे। अब 1/2 कप फ्रेश कटा हुआ नारियल डालेंगे। अब स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा पानी डालकर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट होने तक पीसेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में स्मूथ पीसी हुई चटनी को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मिक्सर में थोड़ा सा पानी डालकर उसमें बची हुई चटनी भी निकाल लेंगे। अब चटनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको जैसे भी चटनी की कंसिस्टेंसी पसंद है, आप उस हिसाब से इसमें पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। चटनी पीस कर तैयार है। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मीडियम आंच पर गरम किए हुए पैन में 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें 1/4 छोटा चम्मच राई डालेंगे। राई तड़कने लगी है, अब 2 चुटकी जीरा डालेंगे। अब 6 से 8 कड़ी पत्ता। अब 2 सूखी लाल मिर्च डालकर इन्हें 10 से 15 सेकंड के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भूनेंगे। चटनी के लिए तड़का तैयार है। अब इस तड़के को चटनी के ऊपर डालेंगे। मूंगफली और नारियल की चटनी रेडी है। आप इसे इडली, डोसा, उपमा, मेदू वड़ा, साबुदाना वड़ा के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे बनाकर देखिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक बटन क्लिक करके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसी तरह की एक से बढ़कर एक रेसिपीज के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू।